नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और ये है हमारा फेसबुक लाइव। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मेरे पीछे बहुत सी भीड़ है। यहाँ पर सारे के सारे जो भी है आंदोलन पर बैठे हुए हैं, सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं ये सारे और सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें यहीं पर रोक दिया है और अब यहीं पर ये लोग धरने पर बैठे हैं। एक बार आपको भीड़ दिखा देती हूँ, कितनी भीड़ है मेरे पीछे देखिए, वहाँ पर आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी। सारे के सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, दूर दूर विभिन्न जगहों से आई हैं ये देहरादून में। यहाँ पर हाथी पटकला रोड है, दिलाराम चौक से सीधा अंदर सीएम आवास की तरफ जाती है और यहीं पर बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया गया है। देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पर। आपको बता दूं इस तरफ भी भीड़ है, मेरे इस तरफ भी भीड़ है, यहाँ पर भी काफी सारे लोग हैं। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। ये वीडियो आप सभी के स्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। पूरी सड़क यहाँ से लेकर आगे तक जाम हो रखी है। चलिए अब बाकी जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, इनसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं जिसकी वजह से ये लोग आज यहाँ पर आई हैं, सीएम आवास कूच कर रही हैं। आप बताइए मैडम। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हमें तो जितना सौतेला व्यवहार हमारे साथ सरकार कर रही है, इतना कोई किसी के साथ भी नहीं करता, क्योंकि इन्होंने हमारे पास देखो सहायिकाओं का काम भी है, राशन वितरण स्वयं करते हैं, स्वयं बाहर बोझा लेके सर पे जाता है, अकेला सब कुछ करना पड़ता है। सिर्फ मात्र दे रही हमें राज्य सरकार 1250 रुपये कि 1250 रुपये में हमारा भरण पूरण हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, मैं सरकार से यही दरख्वास्त है कि क्यों ये हमारे साथ में साथ ले रहा था। कब से बोला गया कि हमारा उच्चीकरण होगा, ना हमारा उच्चीकरण हुआ, ना हमारे साथ सहायिका है। हमें सहायिकाओं का काम भी स्वयं करना पड़ता है, बच्चे इकट्ठे करने पड़ते हैं, भोजन बनाना पड़ता है, उसके बाद बर्तन धुलने पड़ते हैं, पढ़ाई भी बच्चों को पढ़ाई पढ़ाना भी पड़ता है, एक्टिविटी करानी पड़ती है। तो क्यों सरकार हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार करनी थी, मेरी रिक्वेस्ट यही है। क्यों ये आंख बंद करके बैठी है, क्यों हमारी सुन नहीं रही सरकार की। ये मिनी है, मिनी मिनी का पता भी है भी हमारी बाल विकास मंत्री नहीं है उनको, मिनी मिनी आंगनबाड़ी क्या कार्य करती है, वो आए धरातल में देखे वो क्या क्या काम करती है। तो आपके जो काम है, जो आपके सरकारी काम करने होते हैं, उसके अलावा भी आपको काम करना पड़ता है।